हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएनवीएसटी क्लासेस के रिजल्ट के बारे में। जेएनवीएसटी क्लासेस का रिजल्ट आ चुका है। यदि आपने भी जेएनवी का फॉर्म भरा है तो आपने वो देखा रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे ऊपर साइड में दिखाया जा रहा है नवोदय विद्यालय एनवीएस क्लासेस रिजल्ट 2021। आप इस लिंक पर क्लिक करें। लिंक क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए, ये सीट दिखा रहा है कि हर स्टेट की कितनी सीटें हैं। जी, उत्तर प्रदेश की 76 हैं, उत्तराखंड की 13 हैं। चलिए, और स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए, आपके सामने लिख के आ रहा है डाउनलोड रिजल्ट क्लिक हेयर। यहाँ पर क्लिक करना है, जिस ऑप्शन पे हम बता रहे हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर फिल करना है। लाइक दिस, जैसे मैंने अपना रोल नंबर फिल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आपने DOB फिल करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जहाँ लिखा है September 2021, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए, मैं सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको। ईयर पे क्लिक करना है और यहाँ 2020 से 2029 के बीच में ईयर दिखा रहा है, जबकि जेएनवी के रिजल्ट के ईयर जो होती है वो 2007 से लेके 2012 तक होती है। चलिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2011। इसके बाद हम मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मई मंथ मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस 15 डेट सिलेक्ट कर ली। इसके बाद चेक रिजल्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, लिख के आ रहा है इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडेंशियल। नीचे देखिए, लिख के आ रहा है इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडेंशियल। इसका मतलब है कि ये रोल नंबर मेरा गलत है, या ये जो DOB भरी है वो गलत है। तो मैंने नवोदय का फॉर्म फिल ही नहीं किया था। मैं खुद ये भी नवोदयन हूँ, मैं नवोदय में ही पढ़ता हूँ, इसलिए ये रोल नंबर मेरा गलत था। यहाँ पर अपना आप सही रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यदि आप नवोदय में सिलेक्ट हो जाते हैं तो नीचे यहाँ पर लिख के आ जाएगा, देखिए, कांग्रेचुलेशन प्रोविजनली सिलेक्टेड, यानी कि धन्यवाद, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। और हाँ, यदि आप नवोदय में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो नीचे यहाँ पर लिख के आ जाता है, सॉरी नॉट सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट। इसका मतलब ये है कि आप नवोदय में सिलेक्ट नहीं हुए हैं। इसमें लिखा है सॉरी नॉट सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट। हे गाइस, यदि आप नवोदय में पास आउट हो जाते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, यदि ना भी होते हैं तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन फॉर नेक्स्ट टाइम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।